बीजेपी नेता गोपीनाथ मुंडे को चुनाव आयोग ने नोटिस जारी किया है। आयोग ने मुंडे से इसका जवाब 20 दिनों में मांगा है। माना जा रहा है कि आयोग अगर मुंडे की बात से संतुष्ट नहीं हुआ तो उनकी संसद सदस्यता भी खत्म कर सकता है। पहिल्यांदा 1980 साली आमदार झालो तेव्हापासून मी आता लोकप्रतिनिधी। पहिली निवडणूक मी 29,000 जिंकलो, ज्यामध्ये 22,000 निधी मला मिळाला, मला 7,000 रुपये खर्च करावे लागले। आणि गेल्या वर्षीची निवडणूक मी 8 कोटी रुपये खर्च करून, इलेक्शन वाले नसतील तर, आणि आता इलेक्शन क्लिअर झाली तरी मी आता काय 5-6 महिने राहिले, एवढा पैसा लागतो। मग मी जर 10-10 कोटी रुपयेहून खासदार व्हायचं असेल तर कशी ही नोकरी आहे त्याला, आणि म्हणून मला असं वाटतं। 3 दिन पहले मुंडे का ये भाषण अब उनके लिए आफत बन गया है। मुंबई में किताब विमोचन के दौरान मुंडे ने कहा था कि साल 2009 के चुनाव में उन्होंने 8 करोड़ रुपए खर्च किए। बात चुनाव आयोग के कान में पहुंची, 48 घंटे के भीतर मुंडे को नोटिस मिल गया। आयोग ने मुंडे से पूछा है कि चुनाव आचार नियम 1961 के तहत क्यों ना आपके खिलाफ कार्रवाई की जाए, आपने अपना चुनावी खर्च ठीक ठीक नहीं बताया, इसके लिए आपको क्यों ना अयोग्य करार दिया जाए, आप 20 दिनों के भीतर इसका जवाब दें। गोपीनाथ मुंडे महाराष्ट्र के बीड से सांसद हैं। साल 2009 में चुनाव खर्च की सीमा 25 लाख रुपए थी। चुनाव आयोग ने अपने नोटिस में कहा कि मुंडे ने वर्ष 2009 में जो चुनावी खर्च बताया वो महज 19,36,922 रुपए है। सूत्रों के मुताबिक चुनाव आयोग ने मुंडे के भाषण की सीजी ले ली है। नोटिस तैयार करने से पहले नकल तैयार कर ली गई है। इससे पहले कांग्रेस ने सीधे सीधे मुंडे की संसद सदस्यता खत्म करने की मांग की। मुंडे जी जो बीड़ के सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने स्वीकार किया है कि पिछले लोकसभा चुनाव में उनका खर्च 8 करोड़ रुपए था, अर्थात 15 लाख रुपए की तुलना में लगभग 7-7.5 करोड़ रुपए ज्यादा उन्होंने खर्च किया है, तो निश्चित तौर पर डिस्क्वालिफिकेशन का केस बनता है। मैं निर्वाचन आयोग से अनुरोध करूंगा कि गोपीनाथ मुंडे को बुलाकर उनके बयान की जांच करके वो निर्णय लें, एक्शन लें और डिस्क्वालिफाई करें। अगर उन्होंने हलफनामा दाखिल किया है और उस हलफनामे में ये कहा है कि उनका खर्चा 25 लाख से कम रहा है या जो भी रहा है, और वो सार्वजनिक तौर पे कहते हैं कि हमने 7-8 करोड़ रुपया खर्च किया है, तो इसमें जो विरोधाभास है इसका वो स्पष्टीकरण दें। ये देश के लिए भी उचित रहेगा और चुनाव आयोग का तो ये की जिम्मेदारी बनती है। बिल्कुल शोभा नहीं देता, लेकिन मैं इस बारे में क्या कहूं, चुनाव आयोग ने उन्होंने जो कहा उसकी जांच करनी चाहिए। पार्टी की सीनियर लीडर फंसे तो बीजेपी बचाव में कूद पड़ी। समाजवादी पार्टी ने मुंडे को 100% सच ठहरा दिया। गोपीनाथ मुंडे ने कहा है कि उन्होंने खुद 8 करोड़ रुपए अपने चुनाव प्रचार पे खर्च किया और बढ़ता जा रहा है, ये आप तक क्या नहीं, उन्होंने चुनाव प्रचार में अपने खर्च नहीं किए, ये कहा है। तो हमने देखा है कि इतने खर्च हुए हैं और तमाम तरह के होते हैं, एक कैंडिडेट पे नहीं, बहुत से कैंडिडेट्स की बात कर रहे होंगे, वो जनरल बात। उन्होंने सच कह दिया, लोग सच से डरते हैं। 8 तो बहुत छोटी रकम कही, दक्षिण भारत और 200 करोड़ रूपये में पार्लियामेंट को चुनाव लगता है, सत्यता है, चुनाव आयोग भी जानता है, सब जानते हैं, लेकिन सत्य कहने से कतराते हैं। मैं तो कहूंगा तो चुनाव आयोग को सुधार करना चाहिए और चुनाव का पूरा खर्चा अपने ऊपर वहन कर लेना चाहिए, जिससे प्रत्याशी को सिर्फ अपनी बात कहने का अधिकार रहे। कल तक मुंडे के बयान पर सियासी घमासान मचा था, लेकिन अब चुनाव आयोग ने नोटिस थमा दिया है। 20 दिन में अगर इसका सटीक जवाब नहीं दिया तो मुंडे के हाथ से एमपी की कुर्सी निकल सकती है। मुंबई से अभिषेक शर्मा की रिपोर्ट।